बिहार की सियासत की धुरी कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव की तबीयत नासाज होने की वजह से दिल्ली एम्स में वो भर्ती हैं। कहते हैं कि बिहार में परिवर्तन की लहर हो या सियासी उठापटक, किसी भी राजनीतिक कड़ी से लालू का हमेशा जुड़ाव रहा है। आरजेडी के सियासी स्वास्थ्य और तेजस्वी के भावी राजनीतिज्ञ के रूप में परिपक्व होने के लिए लालू यादव का स्वस्थ रहना जरूरी है। लालू आज भी पार्टी के अभिभावक की भूमिका में है। लालू तेजस्वी को बैक सपोर्ट देते हैं। आज भी पार्टी के अहम फैसले उनसे होकर गुजरते हैं। हाल में जब पार्टी नंबर 2 पहुंची तो वो तेजस्वी नहीं लालू की रणनीति थी, जिससे वैसी की पार्टी के विधायकों की घर वापसी हुई। लालू ने हाल में राज्यसभा चुनाव में तमाम कयासों को विराम देते हुए मीसा भारती के नामांकन के लिए विधानसभा तक पहुँच गए थे। कई मायनों में पार्टी के सियासी फैसले भले इन दिनों तेजस्वी ले रहे हों, लेकिन उन्हें सलाह देना और राजनीतिक फैसलों को अमल में लाने का जिम्मा लालू के कंधों पर ही है। लालू सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। वहीं लालू परिवार के अंदर तेज प्रताप अपनी हरकतों से हमेशा चर्चा में रहते हैं। ऐसे में लालू को ही आगे आकर उन्हें समझना पड़ता है। तेजस्वी के हाथों में आरजेडी की बागडोर देने का अनाउंसमेंट भले ही लालू ने किया हो, लेकिन अभी भी लगाम लालू के हाथ में है। आरजेडी के पूरी तरह परिपक्व होने के लिए लालू पार्टी की बड़ी ताकत है। आज भी आरजेडी की पहचान लालू से ही है। सियासी जानकार एक उदाहरण देकर कहते हैं कि आज भी नेता जब आरजेडी छोड़ते हैं तो लालू को संबोधित करते हुए पत्र लिखते हैं, ना कि तेजस्वी को। इसलिए आरजेडी और तेजस्वी के साथ लालू परिवार के भविष्य के लिए लालू का स्वस्थ रहना जरूरी है। लालू परिवार के अहम फैसले आज भी खुद से करते हैं। उन्होंने पार्टी की छवि सुधारने के लिए अपने सालों को भी छोड़ दिया, रिश्तेदारों की एंट्री पार्टी में बंद कर दी ताकि बदनामी ना हो। यहाँ तक कि साधु और सुभाष यादव को तेजस्वी की शादी तक में नहीं बुलाया। लालू समाज को जोड़ने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर लालू यादव सीढ़ियों से गिर गए थे। इससे उनके दाएं कंधे में फ्रैक्चर हो गया था और कमर में भी चोट आई थी। रविवार को लालू एक निजी अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद वापस घर आ गए थे, लेकिन सोमवार सुबह तड़के 3 बजे उनकी हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में पटना के पारस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मेडिकल हिस्ट्री को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। ये थी पटना से सुजीत झा की रिपोर्ट, बिहार तक।